देखिए दोस्तों, हम लोग पहले आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे किस मतलब हमने पहले पिछले वीडियो में क्या किया था कि लाइट के बारे में बताया था। लाइट के बारे में 4-5 वीडियो बता चुके थे। अब क्या करेंगे, आगे जो लाइट वाले मतलब जो चैप्टर है उनको बाद के बताएंगे, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। ठीक, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब वो वाला क्वेश्चन जो कि मतलब पेपर में आते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम लोग मतलब ऐसे क्वेश्चन तैयार करेंगे जिनसे क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी तैयार होंगे। तो देखिए, फिर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों देखेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन हैं, लिफ्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, तो क्या होता है, अवैध के बाहर में क्या चेंजमेंट आता है, अवैध के बाहर कैसा होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखो एक मतलब मैप टाइप के बनाया, उसमें समझेंगे। देखिए, देखना क्या है कि जब कोई लिफ्ट है, जब कोई व्यक्ति है लिफ्ट में बैठा हुआ होता है तो क्या होता है। इसमें 6 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कैसे, अगर कोई व्यक्ति है लिफ्ट में बैठा हुआ है और एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से कोई लिफ्ट चल रही है और व्यक्ति जो है लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक, और लिफ्ट कहाँ पर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर की ओर जा रही है तो चिन्ह कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब नीचे की ओर जाएगी लिफ्ट, चिन्ह मतलब साइन जो होगा निगेटिव होगा। अब मान लो लिफ्ट है, अब जब लिफ्ट एक समान वेग से जाएगी, मतलब नियत वेग से जाएगी, अब कोई व्यक्ति भी लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है तो क्या होता है, उसके बाहर में कैसा होता है, मतलब चेंजमेंट क्या आता है, घटता है, बढ़ता है, कि पहले घटता है या बढ़ता है, या मतलब ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इनको मतलब तैयार कैसे करेंगे। देखिए, तो क्या होता है, जब एक समान वेग से जब कोई मतलब लिफ्ट चल रही होती है तो जो त्वरण का मान जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। त्वरण का मान शून्य हो गया तो क्या होता है, जब त्वरण का मान शून्य होता है तो क्या करते हैं, आपने वो सूत्र पढ़ा था, मतलब वो पढ़ा होगा भार W बराबर mg। तो भार जब लिफ्ट मतलब लिफ्ट में आप खड़े होते हैं तो भार आपका नीचे की ओर काम करता है और ऊपर की ओर तनाव बल काम करता है, तो वही जो भार होता है वो तनाव के रूप में होता है। ये देखिए तनाव। अब क्या करते हैं, आपने मैथमेटिक्स में जब गुणा करते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह देखा जाता है। जब प्लस का प्लस में प्लस का प्लस के साथ गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और यहाँ पर एक मान 0 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो और एक समान वेग से जाए और व्यक्ति उस लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ हो तो जो व्यक्ति का भार होगा वो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। अब देखिए इस आगे देखिए, टी इक्वल टू क्या करेंगे, mg प्लस 0, क्योंकि एक मान 0 और जी गुरुत्वीकरण नीचे की ओर काम ही करता है। तो देखते हैं क्या होता है, तो टी बराबर mg प्लस 0 हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, ये mg के बराबर हो जाता है। तो व्यक्ति का भार जो होता है वो नीचे की ओर काम करता है, मतलब वही mg होता है। तो वही जो mg होता है, मतलब क्या हुआ, ये mg आ गया। तो यहाँ से जो वेट निकला, मतलब व्यक्ति का जो भार निकला वो कितना निकला, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत हुआ। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिफ्ट है उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है और क्या है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, जब ऊपर की ओर जा रही है और जब ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति का भार क्या होगा। अब एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, एक समान वेग से जानी चाहिए, जब एक समान वेग से जाएगी तो जो व्यक्ति का भार होगा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, व्यक्ति मतलब अपने आप पे कॉन्स्टेंस महसूस करेगा। ठीक, अब आगे क्या बात करेंगे, अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो तो निगेटिव चिन्ह लेंगे, ठीक, और ये आपका कितना है, एक मान 0 है ये, तो इधर से क्या करेंगे, तनाव निकालेंगे, ये वाला टी बराबर mg माइनस 0, 0 से कोई मतलब नहीं, वही mg आएगा। तो व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, mg, यानी वही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब दूसरा उसी में क्या, चलो आगे देखते हैं। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे सब, अब दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है मतलब लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है तो क्या करेंगे, जब लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और लिफ्ट कैसी चल रही हो, एक समान त्वरण से चल रही हो, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से चल रही होगी कहाँ पर जाएगी, अब लिफ्ट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, जब नीचे जाएगी तो निगेटिव चिन्ह लेंगे। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो लिफ्ट चले वो एक समान त्वरण से चलनी चाहिए, जब एक समान त्वरण से चलेगी तो जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी प्लस का रहेगा। अब देखो तनाव देखते हैं क्या निकलता है, जब तनाव निकालेंगे टी बराबर mg, अब देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 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 आएगा तो mg प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा फिर a कर लेंगे, यानी g प्लस a, यानी mg बाहर होता है प्लस a, यानी त्वरण प्लस और निकल प्लस और बढ़ के निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है यानी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति का जो भार होगा क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा नहीं मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा वही। इसके बाद अगर क्या करते हैं, अगर वही व्यक्ति क्या करे, एक समान त्वरण से चल रहा हो और नीचे की ओर लिफ्ट जा रही हो, ठीक, तो क्या होता है,
माइनस का गुणा आप प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या था, एम जी प्लस ए था, अब इधर कितना होगा, एम प्लस माइनस माइनस एम जी माइनस ए होगा। तो वेट यहाँ पे एम जी मतलब बार हो गया माइनस ए, यानी माइनस का थोड़ा कम हो रहा है, तो बार में कुछ कमी आ रही है, मतलब क्या हुआ कि वेट जो होगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, वो क्या होगा कि अगर मान लो लिफ्ट है एक समान मंदन से, या फिर कह देते हो, मतलब कह सकते हैं नियत मंदन से चल रही हो, तो क्या करेंगे, जब नियत मंदन में क्या होता है, जो त्वरण होता है वो निगेटिव पाया जाता है, मतलब निगेटिव होता है। तो अगर मान लो व्यक्ति है लिफ्ट के अंदर है, एक समान मंदन से चल रहा है, मतलब मंदन से चलेगा, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर जाएगा तो निगेटिव होगा। तो क्या करेंगे, अब देखो बाहर चेक करते हैं तनाव, टी बराबर क्या करेंगे एम और जी, एम जी तो पता ही है बाहर क्या, अब क्या करेंगे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस। तो एम जी माइनस ए, यानी बाहर में कमी आ रही है, माइनस यहाँ पे मतलब एम जी और माइनस का ए, यानी माइनस का एम ए हो जाएगा, मतलब त्वरण कम हो रहा है। तो यहाँ पे बाहर कितना होगा, वेट का बाहर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार का मतलब क्या होगा, दोबारा अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक समान मंदन में अगर कोई लिफ्ट चल रही है, नियत मंदन से चल रही है और लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, तो क्या होता है कि व्यक्ति का जो तनाव होगा एम जी माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी प्लस ए, मतलब अब बार यहाँ पे क्या हो गया, एम जी मतलब बार और एम ए मतलब और त्वरण ए प्लस, प्लस का त्वरण बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब व्यक्ति का बार क्या होगा, बढ़ेगा। चलो अब इन्हीं क्वेश्चनों का हम लोग मतलब प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। तो चलिए अब देखो हम लोग क्वेश्चनों की मतलब प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि हम लोग चार्ट ने मतलब चार्ट हम लोगों ने बनाया था, तो चार्ट में मतलब कुछ तरीके बताए गए थे, तो उसी तरीके का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देखिए कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है एवं लिफ्ट एक समान वेग से चल रही हो, तो व्यक्ति को अपना भार कैसा महसूस होगा, नंबर एक बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा, घटेगा या नियत रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप मतलब हम लोग मतलब लगाएंगे कैसे, इसका तरीका क्या होता है, वो तरीका देखते हैं। कि मैंने बताया था कि अगर मतलब व्यक्ति है कैसा, मतलब लिफ्ट जो चल रही है वो एक समान वेग से चलेगी, ये क्या हो गया आपका, एक समान वेग हो गया, ठीक, एक समान वेग है, तो यानी प्लस का ए हो जाएगा, यहाँ पे त्वरण कितना रहेगा, प्लस का ए रहेगा, और ये कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब इसमें क्या होता है, एक समान वेग में त्वरण का मान कितना होता है, जीरो होता है, मैंने बताया था आपको पहले, जब ये जीरो हो गया, अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या देखेंगे, अब लिफ्ट कैसी जा रही है, बैठा हुआ हो एवं लिफ्ट एक समान वेग से चल रही हो, अगर मान लो इसमें आगे क्या पूछ दे, अगर लिफ्ट कहाँ कर, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, इसमें क्या है कि लिफ्ट कैसी जा रही हो, ऊपर की ओर, लिफ्ट ऊपर की ओर जब जा रही हो तो व्यक्ति का बार में मतलब क्या परिवर्तन होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी, तो मैंने बताया जब ऊपर की ओर जाएगी तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, जब मान लो व्यक्ति बैठा हुआ है लिफ्ट में, तो व्यक्ति का जो भार होता है वो नीचे काम करता है, और तनाव जो होगा वो भी ऊपर काम करेगा, तो वही देखो तनाव जो होता है वही भार होता है, उसी को भार कहते हैं, यानी वही डब्ल्यू होता है। तो देखते हैं, वही डब्ल्यू टी बराबर एम, अब देखो प्लस एम जी तो हो जाएगा, भार तो काम ही कर रहा है, तो एक मान कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इतना कितना निकल आएगा, एम जी प्लस जीरो, मतलब तनाव आपका कितना निकला, जीरो एम जी निकला। तो मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति का भार था वो मतलब एम जी था, वो नीचे की ओर काम कर रहा था, मतलब नीचे की ओर काम कर रहा था, और एक समान वेग से चल रही थी, और लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाएगी तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, और ये जीरो होगा, तो मतलब उसी का बार मतलब वैसा ही रहेगा, एम जी है मतलब वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब ये वाला सही है। अब देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है लिफ्ट में बैठा हुआ है और लिफ्ट में एक समान वेग से नीचे की ओर जाए, तब व्यक्ति को अपना भार महसूस होगा, मतलब कैसा महसूस होगा, बढ़ेगा घटेगा नियत होगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर मान लो व्यक्ति, हमने बताया था जब एक समान वेग से मतलब लिफ्ट जाएगी तो जो त्वरण का मान होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। अब लिफ्ट कहाँ की ओर जा रही है, नीचे की ओर, और जब नीचे की ओर जा रही है तो नीचे की ओर मैंने निगेटिव चिन्ह बताया था, ठीक,
निगेटिव चिन्ह बताया था, अब क्या करेंगे व्यक्ति का बाहर निकालेंगे। व्यक्ति का बाहर देखो क्या होगा, t बराबर क्या निकालेंगे, एम जी, एम और जी। अब क्या ये देखो, ये प्लस का ए है, कि मतलब ये प्लस का ए है, ये ए बराबर जीरो दिया हुआ है। अब ठीक, तो एम जी प्लस माइनस कितना होता है, ये प्लस का ए है, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, और ये कितना है, ये जीरो हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, एम जी निकलेगा। निवेदित का बाहर कितना है, एम जी यानी नीचे की ओर काम कर रहा है, यानी जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है और कहाँ एक समान वेग से चल रही है, और जब एक समान वेग से चल रही है तो उसमें क्या होता है, बाहर जो व्यक्ति का बाहर नीचे की ओर काम करता है, जब बाहर मतलब व्यक्ति का नीचे की ओर काम करेगा तो बाहर या निकल के कितना आ रहा है, एम जी, यानी एम जी पहले भी एम जी था, अब भी एम जी यानी कांस्टेंट है। तो मतलब क्या हुआ, उसका जो बाहर होगा व्यक्ति, मतलब बाहर कैसा महसूस करेगा, नियत, मतलब व्यक्ति का बाहर नियत रहेगा, अपने आप में कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखो इसका स्क्रीन शॉट लेके आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है लिफ्ट में बैठा हुआ है और वो कैसा चल रहा है, वो चल रहा है नियत त्वरण से चल रहा है, और लिफ्ट कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो व्यक्ति को अपना बाहर में मतलब कैसा महसूस होगा। ऑप्शन ये चार दिए हुए हैं, मतलब दिए हुए हैं, अब इनको क्या करेंगे, देखो मतलब निकालेंगे कैसे हम लोग। जब नियत त्वरण से, मान लो कोई व्यक्ति, व्यक्ति नहीं मतलब लिफ्ट चल रही है नियत त्वरण से, तो जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस का ये होगा। ठीक, जब ऊपर की ओर लिफ्ट जाएगी, कहाँ पर, अपर साइड जा रही है यानी ऊपर की ओर जा रही है, जब ऊपर की ओर जाएगी तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। ठीक, अब क्या व्यक्ति का बार क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी, वैसे निकाला जाता है, अगर एम जी, एम जी प्लस करके निकल रहा है यानी व्यक्ति का बार बढ़ रहा है, अगर एम जी, अगर वही करके क्या निकले, एम जी माइनस निकले, तो मतलब क्या होगा, बार में कमी आ जाएगी। अब देखो हम निकालते कैसे हैं कि नियत त्वरण दिया हुआ है, प्लस का ए है, अपर यानी ऊपर की ओर जा रही है क्या लिफ्ट, तो पॉजिटिव होगा। तो तनाव निकालेंगे, तो तनाव जब निकालेंगे टी बराबर एम जी, अब देखो प्लस होगा माइनस होगा, भाई इधर से देखेंगे, नियत त्वरण से चल रही यानी प्लस का ए है, ऊपर की ओर जा रही यानी प्लस लगेगा, तो प्लस का गुणा जब प्लस में करें तो प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है। अब क्या करेंगे, अब ए लिख देंगे आराम से, तो आपका कितना निकलेगा, आपका जो निकलेगा वो एम जी प्लस एम ए, यानी व्यक्ति का बार पहले क्या था, एम जी था, अब प्लस एम ए निकल रहा है, यानी कुछ बढ़ के निकल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति होगा नियत त्वरण से लिफ्ट के अंदर चल रहा होगा, और कहाँ चल रहा होगा, ऊपर की ओर चल रहा होगा, तो व्यक्ति का जो भार होगा एम जी प्लस ए यानी बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ए ऑप्शन सही है। आप देखो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक, अब लिफ्ट क्या है, नियत त्वरण से चल रही है, और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है और नीचे की ओर जाती है तो इसी में क्या होता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। इसमें क्या है, अब पहले लिफ्ट, अगले वाले क्वेश्चन में लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी और नियत त्वरण से चल रही थी, इसमें क्या, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है और कैसे चल रही है, नियत त्वरण से चल रही है। तो मैंने क्या बताया था कि जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन यानी नियत त्वरण से चल रही है यानी पॉजिटिव रहेगा। ठीक, अब नीचे की ओर जा रही यानी नीचे की ओर, डाउन साइड यानी डाउन, नीचे की ओर जा रही है डाउन साइड यानी, तो क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, व्यक्ति का बाहर एम जी होता ही है, तो अब व्यक्ति के बाहर मतलब व्यक्ति का बाहर निकालेंगे क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो इसमें क्या होता है, जब तनाव निकालते हैं टी बराबर एम, ये हो गया जी, अब देखो प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस, अब यहाँ पर ए लिख दीजिए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि आगे जब निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, एम जी माइनस एम ए। व्यक्ति का पहले वाला बार कितना था, एम जी, बार पहले एम जी था, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो क्या होगा, एम ए मतलब एम ए कमी हो जाएगी, जब एम ए कमी हो जाएगी यानी व्यक्ति के बार में कुछ कमी आ रही, तो मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति का बार होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही है, तो इसका स्क्रीन शॉट करिए। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि जब व्यक्ति क्या होता है लिफ्ट में बैठा हुआ होता है और नियत, लिफ्ट में बैठा हुआ नियत त्वरण से चल रहा हो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नियत मंदन से चल रहा है, जब नियत मंदन से चल रहा होगा तो त्वरण में क्या होती है, कमी होती है। ठीक, अब वहाँ पर लिफ्ट अब नीचे की ओर जा रही है, ठीक, अब लिफ्ट कहाँ पर जा रही है, नीचे की ओर, तो यहाँ पर जो त्वरण निकलेगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकलेगा, नियत मंदन से चल रही है तो एक्सेलरेशन में कमी होगी यानी त्वरण में कमी हो जाएगी, यानी माइनस का ये हो जाएगा। अब नीचे की ओर चल रहा है, नीचे की ओर यानी डाउन साइड,
तो नीचे की ओर चलेगा तो निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। ठीक, व्यक्ति का भार एम जी जो होता है लिफ्ट के अंदर, एम जी नीचे की ओर काम कर रहा होता है। अब इसमें क्या करेंगे, जब ऐसे मतलब ऐसी कंडीशन होगी, मतलब नियन मंदन से चल रहा होगा और नीचे की ओर लिफ्ट जाएगी, तो व्यक्ति के भार में क्या होता है कि जब तनाव निकालते हैं टी बराबर एम और यहाँ पर जी आता है। अब देखो यह माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस का ए आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इधर से ये आपका एम जी निकलेगा प्लस एम का बड़ा इसमें करेंगे एम ए आ जाएगा। मतलब क्या था, व्यक्ति के बार पहले एम जी था, तो जब नियत मंदन से नीचे की ओर जा रही होगी तो उसका जो बार एम जी में कुछ प्लस करके निकल रहा है, यानी एम जी प्लस एम ए निकल रहा है, यानी एम बढ़ के निकल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, व्यक्ति का बार जो होगा वो बढ़ेगा आपका, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। आप तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, जो व्यक्ति है लिफ्ट में बैठा हुआ है तो और नियत तरल से नियत मंदन से चल रहा है। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था, नियत मंदन से चल रहा है और नीचे की ओर लिफ्ट जा रही हो, तब क्या होगा व्यक्ति के बाहर। अब इसमें क्या है, नियत मंदन से चल रहा है और ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है। जब नियत मंदन से चलेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, और ऊपर की ओर चल रहा है, जब ऊपर की ओर चलेगा यानी अपर साइड चलेगा, जब अपर साइड चलेगा तो ऊपर की ओर पॉजिटिव चिन्ह होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब पॉजिटिव चिन्ह निकलेगा। तो व्यक्ति के बाहर एम जी तो होता है, आपको पता है व्यक्ति के बाहर एम जी होता है, एम जी होता है। इसमें अगर एम जी प्लस करके कुछ निकलेगा यानी बढ़ेगा, एम जी माइनस करके कुछ निकलेगा यानी घटेगा। अब देखो इससे क्या निकालेंगे, जब तनाव निकालेंगे टी बराबर वो एम निकालेंगे जी, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस आ गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद आपको जो तनाव निकलेगा वो एम जी माइनस कितना निकला, एम ए निकला, यानी एम जी पहले बार एम जी था, बार में कुछ कमी हो रही है, यानी व्यक्ति का बार घट रहा है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा हुआ है और मतलब जो लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रही है और चल कैसी रही है लिफ्ट, नियत मंदन से चल रही है, तो व्यक्ति के बार में क्या परिवर्तन होगा, व्यक्ति का बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति है लिफ्ट में बैठा हुआ है एवं लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर जाए तब व्यक्ति को अपना भार महसूस होगा, क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या इनमें से कोई नहीं। इनको मतलब करने का तरीका क्या होगा, देखते हैं कि अगर नियत वेग से चल रहा होता है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकलता है, नियत वेग से जो एक्सेलरेशन जो एक मान निकलता है, नियत वेग से रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक, अब लिफ्ट कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर, यानी अपर साइड जा रही है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब क्या करेंगे, आपको पता है जो व्यक्ति का भार जो होता है कितना होता है, एम जी होता है। ठीक, अब जब ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जाएगी, नियत वेग से चल रही है और ऊपर की ओर जा रही है, तब भार में भार तो एम जी होता है, इसमें कमी होगी या बढ़ोतरी होगी वो पता कैसे करेंगे। इसको ऐसे करेंगे, जब तनाव इसमें निकालेंगे तो टी बराबर एम जी। अब देखो एम जी तो मतलब व्यक्ति का भार होता है, अब इधर पर खेल होता है, इधर पर क्या होता है, ए का मान कितना है, जीरो, और ये प्लस का मतलब है प्लस का ए। अब प्लस की वैल्यू हो, जब प्लस गुणा प्लस में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस आएगा। अब ए का मान कितना हुआ है, जीरो दिया हुआ है। ठीक, तो जब जीरो दिया हुआ है तो यहाँ से आपका तो जो तनाव निकलेगा वो एम जी प्लस जीरो, यानी कुल मिला के तनाव कितना निकला, एम जी, तनाव एम जी निकला, टी बराबर एम जी निकला। अब व्यक्ति का बार कितना दिया हुआ था, एम जी पहले भी था, अब बाद के भी एम जी है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई मतलब लिफ्ट है उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है और नियत वेग से क्या, नियत वेग से चल रहा है कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, तो उसके व्यक्ति के बार में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कॉन्स्टेंट रहेगा। इसी में अगला क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अब क्वेश्चन वही है, यहाँ पे क्या होता है कि जो लिफ्ट जो होती है नियत वेग से चल रही है, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर की ओर जा रही थी, अब लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे की ओर। अब भार जो व्यक्ति का होगा क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं। तो जब पहले वाला प्रश्न था उसमें क्या था कि जब नियत वेग से लिफ्ट चल रही थी और ऊपर की ओर चल रही थी, जब ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही थी और नियत वेग से जा रही थी, व्यक्ति का जो भार था कैसा था, मतलब कॉन्स्टेंट था। अब इसमें क्या होगा, नियत वेग से जब चलेगी तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन जो निकलेगा प्लस का ए जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा। और इसमें नीचे की ओर जा रही यानी लोअर साइड,
जब लोअर साइड जाएगी यानी निगेटिव वैल्यू निकलेगी, यानी लोअर जब कोई चीज़ नीचे की ओर जा रही यानी घट रही यानी निगेटिव चिन्ह होगा। ठीक, अब देखो वेद का बार हमको पता है कि वेद का जो बार होता है वो एम जी होता है, एम जी तो होता ही है एम जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, नियत वेग से चल रही है नीचे की ओर जा रही है लिफ्ट, तो लिफ्ट में परिवर्तन क्या होगा, जब तनाव निकालेंगे तनाव निकालने पर क्या होगा, जो एम जी होगा एम प्लस गुणा माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस। अब ए थोड़ा ए का मान कितना दिया हुआ है, जीरो निकल दिया हुआ है, तो टी का मान कितना निकलेगा, एम जी माइनस जीरो निकलेगा, तो इससे टी का मान कितना निकलेगा, एम जी कितना निकला। और पहले वेद का बार कितना था, एम जी, पहले एम जी था, और जब नियत वेग से नीचे की ओर लिफ्ट गई तो वेद का तनाव कितना निकला, एम जी, यानी पहले भी एम जी था अब भी एम जी है, यानी क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, अगर व्यक्ति जो है नियत वेग से नीचे की ओर जाए लिफ्ट में बैठा हुआ हो तो क्या होगा, जो व्यक्ति को अपना भार कैसा महसूस होगा, कांस्टेंट, मतलब नियत रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। हाँ तो दोस्तों, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन थे वो लिफ्ट से रिलेटेड थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो जितने भी लिफ्ट वाले क्वेश्चन थे, ऊपर जाती है नीचे जाती है जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब और ये सब जो क्वेश्चन है मतलब याद करने वाले नहीं है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हैं, यानी ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो जितने भी क्वेश्चन लिफ्ट वाले थे वो मैंने आपको बता दिए, और भी जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता सकता मतलब बता दूंगा बाद में भी। ठीक, तो ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए। तो अगले वाले जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो भी बताएंगे, उसमें क्वेश्चन भी होते जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी तैयार होते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब तैयार हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, अब आगे जो क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहीं पे बताएंगे।